सरकारपुर में दशानन मंदिर के रूप में लोकप्रिय मंदिर विजयदशमी पर सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है। भारत के अधिकतर राज्यों में दशहरा के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। कहीं कहीं लंकापति रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ का भी पुतला जलाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां पर रावण की पूजा की जाती है। जी हाँ, विजयदशमी के दिन सियापति रामचंद्र की जय के नारों के बीच कानपुर के शिवला इलाके को छोड़कर देश भर में रावण दहन किया जाता है। कानपुर में रावण को समर्पित एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी है जो साल में एक बार खुलता है और यहाँ रावण की पूजा की जाती है। तो दशानन मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की। बताया जा रहा है कि इस इलाके को छोड़कर जहाँ देश भर में रावण दहन होता है वहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। हमारे पास था, हमारे दशानन महाराज के दर्शन करने आता हमें यहाँ भी रखता, घर को भी रखता। ये भैया दशानन महाराज का मंदिर है, कैलाश मंदिर प्रांगण में शिव और शक्ति के बीच में है। पूरे उत्तर भारत में एक लौता मंदिर है जो कि ब्रिटिश जमाने का रजवाड़ा है। ये यहाँ के जो महाराजा थे गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज, उन्होंने ये 1868 में मंदिर बनवाया है। और यहाँ की मान्यता ये है कि जब ये मंदिर बन रहे थे, शिव का मंदिर बना, तो शक्ति बगल में है, हमारे आदि शक्ति माताएं सब यहाँ विराजमान, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। तो सबका जब मंदिर बन गया शिव और शक्ति का, तो कहें कि भोलेनाथ के परम भक्त का भी यहाँ मंदिर बनवाया जाए, जो कि भगवान भोलेनाथ का ये बगल में हमारे मंदिर है। तो ये पहरेदार के रूप में आदि शक्ति माता के विराजमान है यहाँ दशानन महाराज हमारे।